और दोस्तों केके डिजिटल एंड मोबाइल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको आधार कार्ड के अंदर अपन कैसे एड्रेस चेंज कर पाएंगे, कैसे अपन केयर ऑफ के अंदर सन ऑफ की जगह वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ या जो केयर ऑफ है उसको कैसे चेंज कर पाएंगे, या एड्रेस आप कहीं बदल रहे हैं, जैसे आप कहीं और रह रहे थे अब कहीं किसी और जगह रह रहे हैं, तो आप कैसे आप अपना एड्रेस चेंज कर पाएंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा आप हमारा ये चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और वीडियो अंत तक देखें, पूरा देखें ताकि सारी बात आपको आराम से समझ में आ सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन आधार कार्ड की साइट को खोल रहे हैं। आधार कार्ड को की साइट को खोलने के लिए पहले गूगल खोल दिया है क्रोम के अंदर, और आधार कार्ड लिखेंगे सिंपल। पहले ही ऑप्शन के अंदर uidai.gov.in के नाम से एक साइट आएगी, पहले ही ऑप्शन के अंदर। इसके अंदर सेकंड नंबर ऑप्शन ये आया हुआ अपडेट योर आधार, ठीक है दोस्तों, ये वाला, इसके अंदर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया दोस्तों। अब देखिए अपडेट योर आधार कार्ड डेटा, ये नहीं है। चेक आधार कार्ड अपडेट स्टेटस, ये भी नहीं करना है आपको, ये करना है आपको। इस पर क्लिक, ये चीज़ अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन, आप कैसे कर पाएंगे वो आप देखते जाएं। पूरी वीडियो देखिए ध्यान से दोस्तों, और वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। कोई भी चीज़ का निष्कर्ष आप आधी अधूरी चीज़ से नहीं लगा सकते, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर आया हुआ है देखो, पहले अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन, हैव यू रिसेंटली चेंज एड्रेस, आपने चेंज किया है एड्रेस, अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन विद वैलिड डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स एंड और विद एड्रेस वैलिडेशन लेटर, दोनों तरीके से कर सकते हैं, वैलिडेशन लेटर से कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट और है जिसके अंदर उसके उसका जो सही पता है वो है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर जो वैलिड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको, उसकी पूरी जानकारी, पूरे वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इसमें दिए हुए हैं, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं इसके थ्रू कौन सा आप डॉक्यूमेंट देना चाहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर मैं बता दूं कि आपके पास आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल है वो तो रहना चाहिए ही चाहिए 100%, उसके ऊपर OTP आए बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, आप जो प्रूफ लगाना चाहते हैं वो भी आपको स्कैन कर लेना है पहले आपके कैमकॉर्ड मोबाइल के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, प्रोसेस बता रहा हूँ आगे। प्रोसीड टू अपडेट आधार एड्रेस, पहला स्टेप है अपने पास लॉगिन, ठीक है दोस्तों। आधार कार्ड संख्या डालेंगे जो अपन को आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना है, जिसका वो डालते हैं अपन। डाल दिया दोस्तों, कैप्चा डालेंगे, सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे अपन। OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे अपन, नीचे दिए गए OTP में अपन OTP डालेंगे। मोबाइल पे आपकी OTP आ चुकी है, चेक करें दोस्तों। और फटाक से इसमें OTP फीड कर देते हैं अपन, 6433332, ठीक है दोस्तों। इस तरह अपना पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा लॉगिन करने का। सेकंड स्टेप में अपडेट एड्रेस, आप जो एड्रेस आप अपडेट करना चाहते हो पुराने से नया, तो वो अब जो आपके पास डॉक्यूमेंट है दूसरा, जैसे आपके पास आपका वोटर कार्ड है जिसके अंदर एड्रेस सही है, तो उसका एड्रेस इसमें आप फिट कर सकते हो आराम से, या पासबुक के अंदर सही है जो जो डॉक्यूमेंट उसमें दिए हुए, आप कोई भी पानी का, बिजली का बिल 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए वो भी डाल सकते हैं,
आपके नाम से हो तो ठीक है दोस्तों। अपडेट एड्रेस वाया एड्रेस प्रूफ, आपके पास एड्रेस प्रूफ है वो उसके थ्रू डालेंगे। एक नीचे और ऑप्शन आया हुआ है अपडेट एड्रेस वाया सीक्रेट कोड, ये तरीका बहुत अलग है। इसके अंदर आप किसी दूसरे का भी, जहां आप रह रहे हैं उसका भी आप आधार कार्ड से आप अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। उसके अंदर प्रोसेस थोड़ा लंबा है, सीक्रेट कोड उसके आप यानी आपके या उसके यहाँ पे पोस्ट से जाएगा, फिर वो सीक्रेट कोड इसके अंदर फीड करना पड़ेगा, तब जाके आपका एड्रेस चेंज हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला ही ऑप्शन मैं पहले बता रहा हूँ, इसकी चीज़ के बारे में मैं बाद में चर्चा करूँगा और बाद में इसके लिए वीडियो बनाऊँगा, पहले के लिए मैं बता रहा हूँ अपडेट एड्रेस। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपको अपना पुराना एड्रेस जो आपने दिया था आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है वो चीज़ आ जाती है। इसके अंदर दूसरी चीज़ आती है अलाउ यू आई ए डी टू डू लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ योर एड्रेस। ठीक है दोस्तों, ये लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए आप देना चाहे यस करें, नहीं तो नो। खास बात है कि आप इसके अंदर केयर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, ये चेंज इसमें आराम से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरे को करना है सन ऑफ के अंदर चेंज, सिर्फ अशोक कुमार लिखना है या अशोक दहिया लिखना है तो वो यहाँ पे चेंजमेंट हो जाएगा सन ऑफ। ठीक है दोस्तों, और संबोधित ये लिखा हुआ है, केयर ऑफ का मतलब संबोधित होता है। इसके अंदर ये अपने आप हिंदी में ट्रांसलेट हो चुके आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए, जैसे मैं क्लिक करूँगा एस ओ सन ऑफ अशोक। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप बिल्डिंग नंबर जो आपके एड्रेस प्रूफ पे दी हुई है वो लिख देंगे। ठीक है, आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया, ये सब अपने आप हिंदी में अपने आप आती रहेगी दोस्तों, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें से कोई हिंदी में गलत लिखा हुआ है तो आपको हिंदी में सही करना पड़ेगा दोस्तों, ये बता दूँ आपको, नहीं तो गलत ही लिखा हुआ आ जाएगा उसके अंदर। कोई कोई ऐसी स्पेलिंग होती है इंग्लिश में जो ट्रांसलेट होकर नीचे गलत आ जाती है, तो उसको सही करनी पड़ेगी आपको दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एरिया क्या है, जैसे बीजेसी एरिया हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह लैंडमार्क आपके आसपास कोई है मंदिर तो वो लगा सकते हैं, जैसे नियर माता मंदिर। ठीक है, अपने आप हिंदी इंग्लिश का ध्यान रखें दोस्तों, हिंदी में भी सही आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी ध्यान दें। पिन कोड एरिया का क्या है वो लगा दें आप। ठीक है दोस्तों, फिर आप जोधपुर के ही हैं जोधपुर लगा दें। ठीक है, जो आपके प्रूफ में दिया हुआ है उसके अनुसार चलेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। और पोस्ट ऑफिस जोधपुर सीधा ही लगा देंगे अपन, और ये पूरी मैंने डिटेल भर दी है, प्रीव्यू देखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो चेंज आपने किया है वो एड्रेस वो चेंज किया हुआ नज़र आ जाएगा पूरा। ठीक है, इसके बाद आई हियर्ड बाय कन्फर्म दैट आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय मी टू द UIDAI इज ट्रू एंड करेक्ट। जो आप इन जानकारी दें पूरी करेक्ट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों लास्ट स्टेप आ गया है अपने पास, अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है देखो अपन। पासपोर्ट आपके पास है तो वो आप स्कैन कर लें और इसके अंदर डाल सकते हैं। राशन कार्ड है जिसपे एड्रेस आपका सही है वो डाल सकते हैं, जो इसके अंदर आपको उचित लगे वो डाल सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक बिल है, वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, आप चेक कर लें। पॉलिसी आपने लिए, आर्म्स लाइसेंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कोई भी आपका एड्रेस वहाँ का एड्रेस सही है वो इसमें से ले ले, चूज कर लें। मान लो आपके पास वोटर आईडी है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, स्कैन किया हुआ है। 2 MB से फाइल बड़ी नहीं होनी चाहिए, JPG और PNG और PDF फॉर्मेट के अंदर हो सकती है, आप
सिंपल इसके अंदर अपलोड करेंगे, अपलोड फाइल्स में अपलोड करने के बाद आप सिंपल अपलोड कर दिया, ये किया, इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैं आगे कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना नहीं है, मेरा एड्रेस चेंज मैं आपको बताने के लिए कर रहा था। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका ये जो एड्रेस वैलिडेशन के लिए है वो उनके पास पहुँच जाएगा और 48 घंटे से लेके वर्किंग आवर से लेके 72 आवर्स के अंदर आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, अगर आपका जो एड्रेस प्रूफ आपने दिया है वो वैलिड है तो। ठीक है दोस्तों, फिर आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। डाउनलोड का तरीका क्या है वो भी मैं एक बार जल्दी जल्दी से बता देता हूं दोस्तों। आधार डाउनलोड करने का तरीका दिखा रहा हूं दोस्तों, देख लें। आधार आप SNS ही डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए इसके लिए मैं बता दूं, आधार का नंबर या वर्चुअल ID या फिर आपके पास एनरोलमेंट नंबर यानी रिसिप्ट है तो आप आसानी से आधार कार्ड निकाल सकते हैं, और इसके अलावा मोबाइल नंबर जो उसके साथ कनेक्टेड है। दोस्तों इनमें से कोई भी एक चीज़ और ये मोबाइल की आवश्यकता होगी, उसके बाद ही आप आधार कार्ड निकाल पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, आधार गूगल में जाके अपन आधार सर्च करेंगे, आधार लिखते ही पहले ही ऑप्शन में ये आ जाएगा। ये दोस्तों देखो, क्लिक कर रहा हूँ मैं, क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही ये डाउनलोड आधार का लिखा हुआ है, ये देखो दोस्तों, इसी के ऊपर अपन क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर देखो मैंने बताया था आधार नंबर से निकाल सकते हैं अपन, एनरोलमेंट ID से निकाल सकते हैं और वर्चुअल ID से निकाल सकते हैं। आधार नंबर आपके पास है ही है उसके थ्रू निकाल सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं ये कैसे मिलता है अपन को? अपन जब बैंकों से या फिर पोस्ट ऑफिस से नया आधार कार्ड या आधार कार्ड के अंदर अपडेशन करवाते हैं कोई तरह का फोटो कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो आपको वो बैंक आपको या पोस्ट ऑफिस जहाँ से आप करा रहे हो तो वो आपको एक रिसिप्ट देता है, उसके अंदर एनरोलमेंट ID होती है, उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। वर्चुअल ID आजकल नीचे आती ही है आपको पता है, उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना दिखा रहा हूँ। आधार कार्ड नंबर अपन डाल रहे हैं, ध्यान रहे दोस्तों आपके साथ में फोन भी होना चाहिए जो इसके साथ रजिस्टर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड पे आधार कार्ड का नाम ये नंबर नहीं आए तो आप ये वाला पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई वांट अ मास्ड आधार, यानी आपका आधार नंबर नहीं आएगा, उसके जगह क्रॉस क्रॉस लिखा हुआ आएगा, 4 डिजिट लास्ट वाले दिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको वर्चुअल ID नीचे लिखी हुई दिखाई देगी बस। ठीक है दोस्तों, मेरे को पूरा आधार कार्ड नंबर सही चाहिए तो आपको ये टिक हटाना पड़ेगा। अपन डालेंगे कैप्चा, कैप्चा डालने के बाद दोस्तों सेंड ओटीपी करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दी जाएगी। OTP यहाँ एंटर कर दें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद आपसे कुछ सवाल अंदर पूछे जाएंगे, यस या नो में कोई भी आप जवाब दे दे, इससे कोई है नहीं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं वैसे।
वेरीफाई एंड डाउनलोड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वेरीफाई और डाउनलोड पे, आपके सामने ये आधार प्रोटेक्टेड फाइल खुल जाएगी डाउनलोड होके। अब इसके अंदर आप पासवर्ड क्या डालेंगे खोलने के लिए? दोस्तों मैं बता दूं, जो आपका नाम है, नाम के चार लेटर कैपिटल में लिखने हैं आपको पहले, सिर्फ चार लेटर, कोई तरह का स्पेस नहीं, कैपिटल लेटर में। फिर आपकी ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ईयर लिखना है, ठीक है दोस्तों, और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक करते ही आपके सामने आधार खुल जाएगा, ये खुल गया है देखो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप आधार डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, फिर इसको आप अपने मोबाइल पे सेव भी रख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी के तौर पे। धन्यवाद दोस्तों, आशा है हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर एक जरूरत के मंद के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इस तरह अपना आधार कार्ड आराम से डाउनलोड कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।